तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ, आज जब मैं सुबह सुबह उठा और मैं ब्रश करके थोड़ा इस तरफ घूमने आया, देखने आया, तो तभी मैंने देखा ये वाला पेड़ से, आप देख सकते हैं, बाद में दिखा दूंगा मैं वो पेड़ को। तो वहां से दो बेबी बर्ड नीचे में गिर गया, तो उसका मम्मी भी हमें आसपास में है, वो पेड़ में बैठ रहा है उसका मम्मी, तो रो रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो मैंने नीचे में वो यहाँ पे गिरा था, तो मैंने उससे वहाँ पे लेके रखा ताकि उसका मम्मी आके उसे लेके जाए। आप देख सकते हो वो रहा, उड़ रहा है वहाँ पर, उड़ के जा रहा है। तो ये आसपास में घूमते रहता है, वो देखिए वहाँ पे आके बैठ गया। तो उसका घर जो था यहाँ पर था, वो पेड़ में, ये वाला पेड़ में उसका घर था। तो मुझे लगा कि उसको यहाँ पर रख देने से उसका मम्मी आके उसे ले जाएगा, तो वो लोग भी लेके नहीं जा सक रहे। तो ये देख सकते दो बेबी बर्ड कितना प्यारा प्यारा है, वो देखिए उसका मम्मी रोके आ रहा है, वो देखिए वो रहा। तो ये देख सकते कितना बेबी बर्ड है, दो तो प्यारा प्यारा। तो मुझे लगा ये दोनों को हमको उठाना चाहिए उसका पेड़ में। मैंने यहाँ में काफ़ी टाइम में रख दिया, वो लोग को भूख भी लगा है बेचारा, आप देख सकते, ये देखिए खाना खाने के लिए कर रहे हैं। तो वो देखिए उसका मम्मी और पापा, और रहा वहाँ पे रो रहे हैं, हाँ वो रहा यहाँ पे बनाना पेड़ में। तो मैंने काफ़ी टाइम रख दिया, सुबह को लगभग सुबह को मैंने 6:30 को देखा हो, लेकिन अभी भी नहीं लेके गया। तो मैंने अभी सुबह को मैंने ट्राई भी किया था इस पर चढ़ने की, तो कल रात को बारिश हुआ था तो काफ़ी स्लिप भी था, तो मैंने उठने के लिए कोशिश किया था तो नहीं सका। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे रो रहा है। मैंने सुबह को ब्रश करने यहाँ पर आया था पाइप में, तो मैंने देखा दो टू यहाँ पे गिर रही है। देखिए कल रात को थोड़ा तेज़ बारिश और हवा आया था, तो अभी इसको उठाने का आइडिया मुझे सोच में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ फिलहाल इसे। अगर मैं तो फिलहाल चढ़ जाऊँगा, लेकिन इसे बुकने के लिए कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। 2000 years later, तो ये रहा मेरा वो आइडिया जो मैं इसे बैग के अंदर घुसा लूंगा, ये घोंसले और ये दोनों बेबी बर्ड को। तो घुसाने के बाद ये बैग भी इतना ठीक नहीं है पर चल जाएगा, और ये मेरा ये बंदा ये मेरा हेल्प करेगा जो मैं इसे ढाल लेता हूँ, क्योंकि इसे हाथ से तो पकड़ना मुश्किल है। तो इस तरह से मैं इसे ढाल लेता हूँ अंदर में, डालने के बाद ये रहा ढाल गया, मैं घोंसला को लेके ही ऊपर उठ जाऊँ। तो इसमें मैं चेन लगा देता हूँ, हाँ पकड़िए जरा, चेन लगा देता हूँ। बैग का भी हालत बढ़िया ही है, कोई ना, ये मेरा स्कूल का पुराना वाला बैग था, हाँ। तो मैंने हाफ पैंट भी थोड़ा लूज पुज वाला पहन लिया ताकि मैं पैर में आसानी से उठ जाऊँ। तो आप देख सकते हो वो रहा पैर ऊपर में है, थोड़ा मुश्किल वाला काम है, उनसे पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो देख सकते हैं आप लोग का मम्मी और पापा वहाँ पर घूम रहे हैं। हम लोग का घर का आसपास काफ़ी पेड़ पौधा है, यह सब बचाने का मेरा आइडिया है। वहाँ पे देखिए सके बड़ा वाला पीपल पेड़ है, काफ़ी बढ़िया हवा आता है उससे और शेडो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मैं उठ जाऊँ, जैसे कि मैंने इसको अंदर में डाल लिया और दोनों बिल्कुल सेफ है अभी तक अंदर में, तो मैं इसे पहन लेता हूँ पहले पीछे, बट मुझे ऊपर उठना है इससे पहले। इसे मैं पैर में इतना उठता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा मैं इससे ऊपर तक पहुँच जाऊँ। तो आप लोग का कोशिश कामयाब रहे, चप्पल उतरना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए लाल वाला चींटी भी है, ये लाल लाल चींटी आया, मैं ऊपर उठ जाऊंगा तो मुझे हमला कर देगा, पर भी मैं बेबी पार्ट को उसका मम्मी पापा तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगने से लाइक करना, हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर उठना पड़ेगा इससे पहले। मैं ऐसे बचपन में आराम से उठ जाता था, फिलहाल थोड़ा बड़ा हो गया ना, वजन ज्यादा हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं बड़ा मुश्किल से ऊपर आया हूँ, आप मेरा हालत देख ही सकते हैं, इतना बूढ़ा हो गया हालत मेरा ऊपर आते आते। बहुत रात को बारिश हुआ था ना, तो पैर बहुत स्लिप था, मैंने काफ़ी मुश्किल से ऊपर आया हूँ। अब तो मैं ऊपर तो आ गया, इसे रख भी लूँगा, लेकिन मैं नीचे कैसे जाऊँगा इस बात से मुझे टेंशन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह ख़राब है, मैं दिखा दूँगा आप लोग को। तो उससे पहले आप ये देखिए, आप देखिए ये ध्यान बेबी वाट लो कहाँ पर है, कहाँ गया आखिर। एक सेकेंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है वो लोग का घोंसला, पहले मैं घोंसला को निकल लेता हूँ और नीचे चला गया, हाँ यहाँ पर है वो लोग। तो ये रहा मैं इसे, यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल भी हो रहा है, ये रहा
एक ठू और एक ठू नीचे चला गया। तो मैं सबसे पहले इसे निकाल लेता हूँ, भगवान करे गिर ना जाए। हाँ निकल गया मैं, तो रख नहीं सकता, थोड़ा अच्छा से रखना पड़ेगा। ये एक है अंदर में और एक है, मैं पहले इसे अच्छा से रख लेता हूँ, बाद में मैं इसका ये कर देता हूँ। मैं इसे ये जगह पर रखूँगा जहाँ पर मेरा पैर देख सकते हैं ना, मैं इसको ये जगह थोड़ा ठीक है, तो मैं पहले इसे रख लेता हूँ, बाद में आप सबको दिखाता हूँ। मैं काफ़ी जगह ख़राब है तो मैं ठीक से मोबाइल पर पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने वो लुक का घोंसला को यहाँ पर अच्छा तरह से लगा दिया, तो वो लुक का मम्मी वहाँ पर बैठ रहे, वहाँ पर और वहाँ पर भी है। तो आप लोग ऊपर से एक बार ऊपर का व्यू देख लीजिए, कितना शानदार है व्यू भी ऊपर का। ये देखिए कितना बढ़िया लोकेशन मिलता है ऊपर से। ये सब खेती है, खेती। वाओ, बहुत बढ़िया व्यू है पीछे का, ऊपर से नीचे का। आप ऊपर से नीचे का नजारा भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा हालत, ये देखिएगा, ये उस पैर में काटा है, मेरा हाथ पूरा छेद कर दिया। ये देखिएगा, ये रहा हाथ पूरा, ये देखिए पूरा सीन हो गया, लाल लाल हो गया भाई पूरा। ये देखिएगा, बहुत थक गया, पूरा जल रहा है अभी। ये सब धुलाना पड़ेगा पहले। ये देखिए यहाँ पे कट गया, मेरा खून निकल रहा था, यहाँ पर भी था, बहुत जल रहा है अभी, बहुत थक गया। ये सब काटा, देख सकते हैं आप काटा किस तरह से, बहुत बहुत मारा है मुझे इन्होंने। मैंने वो देखिएगा ऊपर में, मैंने वो सबको अपना मम्मी के पास पहुंचा दिया। तो लोग का मम्मी फिलहाल वहाँ पे है, आ जाएगा थोड़ा देर बाद। वो रहा ऊपर में बैठ रहा है, वो रहा वहाँ पे है। तो थोड़ा देर जैसे हम यहाँ से चला जाएगा तो वो लोग आ जाएगा। या आप देख सकते, मैं पत्ता काटा था ना ऊपर का, तो दाव भी नीचे गिर गया था। और ये रहा मेरा बैग, कोई मैंने नीचे फेंक दिया था। ये रहा, मैंने दो बच्चों को अपना माँ का पास पहुँचा दिया गाइस। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको भी अगर मेरा ये काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप में थोड़ा भी इंसानियत बचा है तो वीडियो को कीजिए शेयर, और कमेंट में लिखना सेव बर्ड। हम लोग बर्ड बचाना चाहिए भाई, उसे मारना नहीं चाहिए। काफ़ी लोग है कि उसे मार के खा देते हैं, तो नहीं करना चाहिए। मैं बहुत थक गया, तो आज के लिए इतना ही। देख सकते मैंने पत्ता भी काट दिया जो ऊपर का था, और खाली खाली हो गया, लेकिन मैंने चिड़िया वो बेबी बर्ड को मैंने ऊपर पहुंचा दिया हाँ अपने मम्मी पापा के पास। और कमेंट में लिखना सेफ बर्ड बोल के, काफ़ी थक गया वार यार। तो गाइस ये वीडियो कीजिए लाइक, और कमेंट में लिखना सेफ बर्ड। उसके हाथ पैर धुला लिया, थोड़ा सा सफा हो गया, तो थोड़ा बाद में नहा लूँगा। मैं काफ़ी थक गया तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, नहा लूँगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरा हाथ का हालत देख सकते आप पूरा, ये देखिए पूरा छेद हो गया, काफ़ी मेहनत लगा है यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको आप में थोड़ा भी इंसानियत बचा होगा ना तो आप ये वीडियो को जरूर शेयर करेगा। और न जो नया व्यूवर्स है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बहुत थक गया यार, मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने दो बर्ड को अपना मम्मी पापा का पहुँचा दिया ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए वीडियो को कीजिए लाइक।